हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, लल्लू टाइप क्वेश्चन है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि हमारे न्यू अपडेट जो भी आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर एट में बोल रहा है क्या कि E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BD इंटरसेक्ट CD एट F, सो दैट ट्रायंगल AB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CD। ऐसे तो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, कुछ समझ में तो नहीं आया होगा, तो देखिए हम इसको डायग्राम से समझते हैं। पहले बोल रहा है क्या कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो मान लेते हैं कि ये कोई पैरेललोग्राम है एबीसीडी, ये कोई पैरेललोग्राम है एबीसीडी। बना क्या? नहीं, सही से नहीं बना, रुकिए एक मिनट। पैरेललोग्राम है एबीसीडी, ठीक है। तो बोल रहे थे एक पैरेललोग्राम है ना एबीसीडी, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में मैंने लिखा है। तो ये पैरेललोग्राम है एबीसीडी और बोल रहे क्या कि एडी जो साइड है ना, यहाँ पे भी एबीसीडी, तो बोल रहे ना कि साइड एडी जो है ना वो प्रोड्यूस करता है पॉइंट ई तक। मान लीजिए यहाँ स्पेस में कोई पॉइंट है ई, यहाँ पे कोई पॉइंट है ई, ठीक है। तो बोल रहा है पॉइंट ई तक एडी लाइन जो है प्रोड्यूस करता है, ये यहाँ तक प्रोड्यूस करता है। उसके बाद बोल रहा है एंड बीई इंटरसेक्ट सीडी एट एफ, और बोल रहा है जो ये लाइन ज्वाइन करेगा बीई, बीई जो लाइन ज्वाइन करेगा वो बोल रहा है कि इंटरसेक्ट जो कर रहा है सीडी लाइन को, ये बीई लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। तो हम लोग को प्रूफ करना है क्या कि ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी और ये ई, ए बी ई, ये बड़ा ट्रायंगल जो है इसको सिमिलर करना है किसके, ट्रायंगल सी एफ बी के, सी एफ बी का है तो सी एफ बी इस ट्रायंगल के सिमिलर करना है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से तो ठीक है, तो सी एफ बी के सिमिलर करना है। तो समझ में आ गया हम लोग क्वेश्चन में क्या करना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम लोग लिखते हैं गिवन टू प्रूफ। मैंने सारे वीडियो में आपको कहा गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन वगैरह आप लिखना ना भूले, क्योंकि उस पे एक हर स्टेप मार्किंग होता है बोर्ड के एग्जाम में, जिसमें से कि आप लोग को एक मार्क्स उस पे रहता है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, तो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन, तो गिवन क्या गिवन है हम लोग को, तो एक एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को आप शॉर्ट में लिखे, आप फुल में भी लिख सकते हैं, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम इन विच, क्या बोल रहा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एक पॉइंट ई तक एडी प्रोड्यूस करता है। ई कोई पॉइंट है स्पेस में जो कि एडी प्रोड्यूस करके ई तक जाता है। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ई इज अ पॉइंट ई
एडी प्रोड्यूस 2.0 कितना लिखने का जरूरत नहीं, इतना मत लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए क्या थी एडी प्रोड्यूस 2, एबीसीडी द पैरेललोग्राम इन विच एडी प्रोड्यूस्ड 2.E एंड बीडी इंटरसेक्ट, बी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किस लाइन को, इंटरसेक्ट बीसी एट पॉइंट एफ। यही तो हम लोगों को गिवन है क्या कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ई कोई पॉइंट है, पैरेललोग्राम के बाहर एडी ज्वाइन कर रहा है ई पॉइंट पे, एडी प्रोड्यूस करके ई पॉइंट तक आता है और फिर बीई जो लाइन एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है वो सीडी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट एफ पे। तो हम लोग को दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो हम ऊपर क्वेश्चन को एरेज करते हैं, क्वेश्चन को एरेज करते हैं, हम गिवन को भी रेस कर रहे हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन रेस हो गया, गिवन को भी रेस कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके रेस करके अब चलिए, गिवन तो हम लोग देख लिए, अब देखना है टू प्रूफ और फिर उसका प्रूफ। तो टू प्रूफ, तो प्रूफ हम लोग क्या करना था, जहां मैंने तो क्वेश्चन इंग्लिश कर दिया, कौन कौन सा ट्रायंगल था, ट्रायंगल एबीई को सिमिलर करना था किस ट्रायंगल के, तो सीएफबी के, इस छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल से सिमिलर करना है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो किस जिस ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करना है उस ट्रायंगल को देखेंगे, पहले उस ट्रायंगल का नेम लिखेंगे ऊपर में कि किस ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो इन ट्रायंगल एबीई एंड ट्रायंगल सीएफबी। अब देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल ए जो है क्या ये सी के इक्वल नहीं होगा, तो कैसे, हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या कि अपोजिट एंगल्स जो होता है पैरेललोग्राम का वो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये क्या होगा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एक एक चीज तो हम लोग को मिल गया। सिमिलर करने के लिए ना हम लोग को कोई दो चीज भी मिल जाए, एंगल एंगल सिर्फ भी मिल जाए तो वो सिमिलर हो जाएगा। कौन इसमें वैसे तीन एंगल भी हम लोग को मिल जाएगा, लेकिन हम लोग दो से भी प्रूफ कर सकते हैं, तीन से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल क्या, बी सी एफ, हाँ बी सी एफ। तो क्या है अपो, कैसे हुआ एंगल बी सी एफ, तो कैसे हुआ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या है, अपोजिट एंगल्स है। और दूसरा देखिए ये दो लाइन है पैरेललोग्राम का, दोनों लाइन क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होता है हम लोग जानते हैं, तो ये और ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, वन और टू मान लीजिए, तो वन और टू क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, ये दोनों लाइन इक्वल और ये इंटरसेक्ट कर रहा है एफ किसी एफ पॉइंट पे, तो हम क्लास नाइन में ही पढ़े हैं उसका एंगल्स क्या कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल AEB is equal to angle CBF, तो कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम लोग एक चीज और भी कर सकते हैं, देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हम लोग कर सकते हैं थ्री और फोर, लेकिन हम दो ही एंगल सिर्फ एंगल एंगल से सिमिलर कर देते हैं, आप लोग ट्रिपल एंगल से भी सिमिलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिखा भी दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी हो जाएगा, तो क्या हो गया हम लोग को दो एंगल मिल गया, तो हो गया हम लोग का ट्रायंगल एबीई सिमिलर हो गया ट्रायंगल सीएफबी के, हेंस प्रूफ। इसको लास्ट में लिखना जरूरी है, इस पे भी हम लोग का क्या है एक मार्क्स मिलता है। तो कितना आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर एक, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर एक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन भी इसी तरह छोटा सा जल्दी सा क्वेश्चन है।
चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही आसान है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा हम लोग ये देखते हैं। क्वेश्चन भी बोल रहा है कि इन फिगर, एक फिगर दिया हम लोग को, बोल रहा है कि इसमें जो ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल एएमपी है, दोनों क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एबीसी और एएमपी, ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल किस पे है, तो बी और एम पे। देखिए बी पे एक राइट ट्रायंगल है और एक एम पे राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग को बोल रहा है क्या कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एएमपी जो है दोनों को सिमिलर करने और सीए बाय पीए का रेशियो को इक्वल करने बोल रहा है बीसी बाय एमपी के, एमपी के रेशियो के इक्वल करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग देखिए इसको पहले सिमिलर करते हैं। सिमिलर करना है बहुत ही आसान है, ये अगर सिमिलर हो गया तो ये इक्वल हो ही जाएगा। कैसे, तो सीपीएसटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लोग जानते ही है, सीपीएसटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले सिमिलर कैसे करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन। तो हम लोग गिवन क्या, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी आर राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट एट पॉइंट बी एंड एम, बी और एम पे राइट एंगल है। तो ये हो गया हम लोग का गिवन। तो हम लोग को बस इतना ही है, तो जो गिवन था वो तो हम लोग लिख लिया। अब क्वेश्चन और गिवन दोनों को इरेज कर रहे हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एक मिनट, देखिए जो हम लोग को प्रूफ करना है ना, उसको यहाँ साइड में लिख देते। दूसरा नंबर तो लिखा हुआ ही है, पहला नंबर जो है उसको लिख देते। ट्रायंगल एबीसी को सिमिलर करना है ट्रायंगल एएमपी के, ताकि हम क्वेश्चन इरेज करें तो हम लोग को याद है। तो इसको इरेज कर दे। तो हो गया ये इरेज। अब क्या है गिवन, तो हम लोग देख लिया। हम लोग को देखना है टू प्रूफ और प्रूफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टू प्रूफ। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, पहला प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीसी को क्या करना है, सिमिलर करना है किसके, तो ट्रायंगल एएमपी के। और दूसरा क्या प्रूफ करना है, सीए बाय पीए का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा किसके, बीसी बाय एमपी के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये हो गया टू प्रूफ। अब देखते हैं इसका प्रूफ। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, छोटा बच्चा ही बना सकता है, दो साल का बच्चा बना देगा इसको। तो ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को जो ट्रायंगल को सिमिलर करना है उसका नेम हम लोग ऊपर में लिखते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी। क्या बोल रहा है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एएमपी में क्या, तो हम लोग को इसमें पहले देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। एंगल एबीसी 90 है और इस ट्रायंगल में क्या एएमपी क्या 90 है, तो 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एएमपी। कैसे इक्वल कर दिए, तो क्या है दोनों 90 डिग्री है, एच 90 डिग्री। और दूसरा एंगल देखिए, तो कोई एक एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, हाँ तो हम लोग अभी देखेंगे ना, तो एंगल ए ना दोनों में ही कॉमन आएगा। तो देखिए बी ए सी या फिर एम ए पी दोनों में क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो लिख सकते हैं क्या, एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल पी एम। कैसे हुआ इक्वल, तो वो कॉमन है दोनों में, एंगल ए क्या है दोनों में कॉमन है, तो क्या हुआ देयरफॉर ये दोनों क्या हो गया सिमिलर हो गए। टू प्रूफ को मीटर
हटा लेते हैं, ठीक है। आप लोग अपना वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। पहले तो वीडियो कर, पहले तो जब वीडियो देखा करो तो पहले उसे अच्छे से समझ लिया करो, फिर बाद में वीडियो पॉज करके ना नोट कर लिया करो जहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आया। पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर नहीं होता है समझने के बाद भी तो दूसरा और वीडियो देखो और जहाँ भी प्रॉब्लम हो उसको वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग को क्या हो रहा है ना, दो चीज मिल गया, हम लोग को दो चीज मिल गया, एटलीस्ट दो चीज मिल गया, दो एंगल मिल गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी, क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एएमपी के। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी। तो कैसे सिमिलर हो गया, तो ए क्राइटेरियन से दोनों हो गया सिमिलर। तो ये हो गया प्रूफ पहला नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में क्या है ना, बहुत ही आसान है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर देखिए ट्रायंगल एबीसी एएमपी के सिमिलर है तो सी ए बाय पी ए इक्वल नहीं लिख सकते हम लोग बीसी बाय एमपी के, कैसे, तो सीपी एसटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग लिख सकते हैं इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी देयरफॉर क्या है सी ए बाय पी ए इज इक्वल टू बी सी बाय एम पी। तो कैसे, तो सी पी एस पी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से, तो हम लोग लिख सकते हैं फिर क्या, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे एक छोटा सा लाइक जरूर करें, लाइक का अब एक छोटा सा लाइक हमारे मेहनत का फल होता है, तो आप लोग लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, टाटा बाय बाय। आपने पूरा वीडियो देख लिया और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें।